अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं एडोब इलस्ट्रेटर में स्ट्रोक्स के बारे में कि स्ट्रोक्स को हम किस तरह से बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं और उनको किस तरह ऑब्जेक्ट पे सही तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो स्ट्रोक डिफरेंट किस्म के होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये भी स्ट्रोक है। अगर आप कोई पेन टूल से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो सीधा क्रिएट कर रहे हैं या कर्व्स में क्रिएट कर रहे हैं, ये भी स्ट्रोक है। ये हाइट इसलिए हो रही है, इनको सिलेक्ट करके यहाँ से मुझे स्ट्रोक देना पड़ेगा। तो यहाँ से सिलेक्ट करके मैंने एक स्ट्रोक उसको रेड कलर का दे दिया। यहाँ से स्ट्रोक्स की विड्थ को बढ़ाया जा सकता है, जितना चाहे आप इसकी विड्थ को यहाँ से बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ मैं यहाँ पे, और फिर आगे इसकी प्रोफाइल और कुछ स्टाइल्स है, इसको भी देखते हैं। इसके अलावा स्ट्रोक्स आपको डिफरेंट शेप्स में नजर आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर जो है एक स्टार ड्रा किया, तो स्टार के भी ये स्ट्रोक्स कहलाएंगे, ये जो सामने नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप यहाँ क्लिक करके एक राउंडेड रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं, या आप यहाँ पे एक स्क्वायर क्रिएट करते हैं, या कोई सर्किल ड्रॉ करते हैं, पेन टूल से करते हैं, डायरेक्टली लेते हैं, ये सब इसके कहलाते हैं स्ट्रोक्स। तो ये अंदर वाला हिस्सा जो है ये फिल कहलाता है, और जबकि ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसका, इसको हम कहते हैं स्ट्रोक, और इसको हम आउटलाइंस भी कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन स्ट्रोक्स को नॉर्मली अब तक तो हमने ये सीखा कि इसे सेलेक्ट करें स्ट्रोक को, और स्ट्रोक का कलर यहाँ से चेंज होगा, और स्ट्रोक का जो साइज है वो कम ज्यादा यहाँ से हो जाएगा, कम से कम स्ट्रोक ये है, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रोक ये है, और स्ट्रोक खत्म यहाँ से हो जाता है। लेकिन इसका पूरा एक पैनल है जहाँ पे आप मजीद स्ट्रोक्स के बारे में समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि स्ट्रोक की कितनी इंपॉर्टेंस और किस तरह यूज किया जा सकता है। देखिए, अगर मैं इस स्क्वायर की बात करूँ तो अगर आप देखें तो इसमें हमारी जो आउटलाइन जो आ रही है, जो सिलेक्शन लाइन है, उसके स्ट्रोक ऊपर और नीचे इक्वल ही फैला हुआ है। मतलब जितना नीचे है उतना ही ऊपर की तरफ यहाँ पर फैला हुआ है। लेकिन अगर आप स्ट्रोक्स को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो विंडोज में जाइए और यहाँ से जाके आप स्ट्रोक को यहाँ से अवेल कर लीजिए। तो स्ट्रोक आपके सामने पूरा पैनल आ जाएगा, इसको उठा के यहाँ रख लीजिए, यहाँ क्लिक करके इस ऑप्शन में जाइए तो इसके सारे ऑप्शन आपके सामने नजर आ जाएंगे। तो अब आइए इस स्ट्रोक को हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। जैसे कभी किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब आप क्लिक करते हैं ना, नॉर्मली इसके कैप्स और इसके कॉर्नर्स और इसके अलाइन स्ट्रोक्स को आप ये देख रहे होते हैं। जैसे कि अगर कैप्स की बात करें तो कैप्स की बात हम करेंगे इस लाइन पे और इस लाइन के ऊपर। अगर इस लाइन पे यहाँ क्लिक करते हैं और इसकी थोड़ी सी विड्थ को मैं बढ़ाना चाहता हूँ, तो यहाँ से भी आप विड्थ को बढ़ा सकते हैं। देखिए, बिल्कुल मिनिमम मैक्सिमम यहाँ से किया जा सकता है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा इस साइड पे ले आऊँ, सेंटर दोनों पॉइंट्स, दो कॉर्नर्स देख रहे हैं, जिसके ओपन पाथ है, ये भी एक ओपन पाथ है, ये क्लोज पाथ है। तो ओपन पाथ पे क्लिक करके इनके कैप्स को आप एक्सटेंडेड भी कर सकते हैं। एक्सटेंडेड मतलब जितना साइज है उससे थोड़ा थोड़ा बाहर निकला हुआ, और नॉर्मल भी रख सकते हैं, यानी कि जितना साइज है उसी के अंदर। इसके अलावा राउंडेड कैप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि दोनों साइड उसकी राउंड हो जाए, यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गई होगा। इसी तरीके से अगर हम क्लोज पाथ की बात करें तो क्लोज पाथ के अंदर जैसे कि स्क्वायर है, इस स्क्वायर पे क्लिक करेंगे आप और इसमें देखेंगे तो इसके यहाँ पे कॉर्नर्स के ऊपर हम काम कर सकते हैं। जैसे कि इसके कॉर्नर कैसे शार्प है, बिल्कुल शार्प, कोने निकले हुए, शार्प कॉर्नर्स कहलाते हैं। अगर आप इसे राउंड ज्वाइन कर दें तो ये राउंड ज्वाइन इस तरह से हो जाएंगे, और अगर आप इसे शैम्फर यानी कि बेवल मोड में करना चाहें तो इसे बेवल मोड में भी करके देख सकते हैं, और ये इजिली यहाँ से किए जा सकते हैं। इसके अलावा अलाइन स्ट्रोक दोनों पे अप्लाई हो सकता है। मैं आपको ये बताता था कि स्ट्रोक दोनों साइड पे इक्वली फैला हुआ है। अगर आप चाहते हैं खाली स्ट्रोक इनसाइड हो, मतलब आउटसाइड ऑब्जेक्ट को टच ना करे, तो आप इसे कहेंगे इनसाइड ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये ऑप्शन मौजूद है आउटसाइड, और ये आ गया सेंटर और ये आ गया इनसाइड। ये देखिए इनसाइड स्ट्रोक एक्सटेंड होगा, अपने कॉर्नर से अंदर की तरफ फैलेगा ये, और अगर आउटसाइड करेंगे तो अपने कॉर्नर से बाहर की तरफ फैलेगा ये, और अगर आप सेंटर करेंगे तो दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप डैश लाइन पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी मर्जी के डैश और उनके दरमियान की गैप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पहला डैश आप कहते हैं 12 पॉइंट का हो, दूसरा डैश 6 पॉइंट का हो, तीसरा डैश जो है 3 पॉइंट का हो, तो ये तीन किस्म के डैश भी यहाँ पे क्रिएट किए जा सकते हैं। फिर इनके गैप्स को भी कन्वर्ट किया जा सकता है। सपोज 6 का गैप्स हो और उसके दरमियान में 3 या 6 का गैप्स हो, तो देखिए इस तरह से डिफरेंट डैश को आप इसमें कन्वर्ट जो है मैनेज कर सकते हैं डिजाइन के ऊपर। और अगर आप नहीं चाहते हैं तो यहाँ से चेक हटा दें, या एक ही डैश को यूज करना चाहते हैं तो बाकी डैशेस को रिमूव कर दें और सिर्फ एक डैश को ही ऐड कर लें, उसके गैप को बता दें। इसी तरीके से अगर आप उनके स्टार्ट और एंड की बात करें तो जो ओपन पाथ है इनके अंदर अगर आप और से देखेंगे तो इसमें स्टार्ट और एंड है, यानी कि ये इसका स्टार्ट है और ये इसका एंड है। इस पे क्लिक करके इसका स्टार्ट जो है कैसा होना चाहिए और एंड कैसा होना चाहिए, यहाँ पे दोनों चीजों पे आप अलग अलग किस्म के एरोज या मुख्तलिफ शेप्स दे सकते हैं। उनमें भी इसी तरह से है कि एक्सटेंडेड हो, यानी कि अपने साइज से आगे निकले हुए हो, या फिर साइज के लिमिट्स में हो, दोनों चीजें यहाँ से मैनेज की जा सकती है। इसके अलावा अगर स्टार्ट वाले को छोटा करना है तो यहाँ से वैल्यू को कम कर दे, और अगर उसको बड़ा करना है तो यहाँ से वैल्यू को बढ़ा दे, यहाँ से इन चीजों को किया जा सकता है। लेकिन अगर दोनों को इक्वल करना हो तो दोनों की सेम वैल्यू रखें या लॉक कर दे। अब किसी भी एक की वैल्यू को आप बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरी की वैल्यू खुद ही
बढ़ जाएगी। इसी तरह अलाइनमेंट्स भी हमारा हो गया। अब प्रोफाइलिंग पे आते हैं कि जो लाइन ड्रॉ की आपने किस तरह से आपको नजर आए। नॉर्मली प्रोफाइल इसका यही होता है और आप इसको इस पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन दोनों साइड बारीक है इसकी, और आप इस पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये डिफरेंट प्रोफाइल्स पे आप यहाँ से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे डिफरेंट स्टाइल्स आपको मिलेंगे। इसी तरह इनको भी किया जा सकता है। सपोज कि आप इसको इस स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसको क्लिक करें इसको एक इस स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बड़े आसानी से आपके सामने क्रिएट हो जाते हैं, और अगर आपको इसको बनाने के लिए कहा जाए तो घंटों लग जाए और इसी चीज आपसे क्रिएट ना हो। ठीक है, तो ये बड़े आसान से थे स्ट्रोक के ऑप्शन, जिनको आप एडवांस लेवल पे यूज करके अपने बेहतर किस्म के स्ट्रोक्स क्रिएट कर सकते हैं और उनसे बेहतर ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने आपके सामने बड़े आसान से स्ट्रोक को बता दिया। अच्छा, साथ साथ अगर स्ट्रोक को यहाँ से ये जो सेम ऑप्शन आपने यहाँ देखे, यहाँ भी नजर आ रहे हैं और यहाँ पे भी ये डॉट वगैरह के ऑप्शन नजर आ रहे हैं। ऑपेसिटी, स्ट्रोक को कितना लाइट करना है, कितना डार्क करना है, वो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं, कितना लाइट और कितना डार्क करना है यहाँ से कर सकते हैं, ये सारी चीजें की जा सकती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्ट्रोक, और अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और देखते हैं।